हाय दोस्तों, आईटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप एक पबजी प्लेयर हैं तो आपको ये बात बड़ी अच्छे से पता होगी कि लगातार पबजी गेम को खेलने पर आपका स्मार्टफोन हीट यानी कि गर्म होने लगता है, और ज़्यादा गर्म होने की वजह से आपके स्मार्टफोन का प्रोसेसर भी प्रॉपरली काम नहीं करता है और गेम लैग करने लगती है। और कभी कभी तो आपका स्मार्टफोन इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि आपको डर लगने लगता है कि यार ये कहीं फट तो नहीं जाएगा, और इसी डर की वजह से आप गेम खेलना ही बंद कर देते हैं। मगर आज के इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी मैजिक ट्रिक के मैं बताने वाला हूं जिसका यूज कर आप अपने गर्म फोन को तुरंत ही ठंडा कर सकते हैं। इन चारों ट्रिक्स में से दो ट्रिक्स ऐसी है जो पहले से ही आपके स्मार्टफोन को गर्म नहीं होने देगी, और दो ट्रिक्स ऐसी है कि अगर आपका स्मार्टफोन ओवरहीट हो चुका है, काफी गर्म हो चुका है, तो वो उसे तुरंत ही ठंडा कर देगी। और लास्ट वाली जो ट्रिक है ना, वो ऑसम है, क्योंकि वो जो ट्रिक्स है वो आपके स्मार्टफोन को सिर्फ 40 सेकंड में ही ठंडा कर देगी। इसीलिए कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए, यहां पर मैं आपका टाइम पास नहीं करता हूं, फटाफट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं हाईटेक। ट्रिक नंबर वन, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्मार्टफोन ओवरहीट हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा है और फ़ोन के पीछे बैक कवर लगा हुआ है, तो आपको ये बात भी अच्छे से पता होगी कि यार बैक कवर को निकाल दो, फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो अपने आप ही कम होने लगेगा। मगर आपको ये बात पता नहीं होगी कि आप इस बैक कवर से भी अपने स्मार्टफोन को ठंडा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आपका स्मार्टफोन ओवरहीट हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, तो आप अपने स्मार्टफोन का बैक कवर निकालें और सीधे जाकर फ्रिज में रख दें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बैक कवर पर बर्फ ना जमे। आप इसे 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट तक रख सकते हैं, और इतना टाइम तो गेम को स्टार्ट होने में लैंड होने में लग ही जाता है, तो उस दरमियान आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और आप चौंक जाएंगे जब आप इस बैक कवर को अपने स्मार्टफोन पर लगाएंगे, क्योंकि ये ठंडा कवर आपके स्मार्टफोन की हीटिंग को बिल्कुल जीरो कर देगा। तो इस ट्रिक का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि इसके लिए को बार बार फ्रिज के पास जाना होगा, मगर अगली जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसके लिए आपको फ्रिज के पास नहीं जाना है। ट्रिक नंबर दो, अब यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग में लगाकर पबजी गेम को खेलते होंगे, तो ऐसे वक्त में आपका स्मार्टफोन ओवरहीट हो जाएगा या फिर मैं कहूँ कि कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है और आप पबजी गेम खेल रहे हैं जो आपके स्मार्टफोन का CPU, GPU, बैटरी, डिस्प्ले, रैम हर एक चीज़ को निचोड़ के यूज़ करती है, और इसी वजह से आपका स्मार्टफोन ओवर से भी ज़्यादा ओवरहीट हो जाएगा। और अगर आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन AMOLED या फिर सुपर AMOLED है, तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से डिस्प्ले खराब भी हो सकती है। तो अब यहां पर क्या किया जाए, तो सिंपल है। पहले तो आप अपने स्मार्टफोन का बैक कवर निकाल दें और अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग में से भी निकाल दें। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने स्मार्टफोन को गेम खेलने के दरमियान चार्ज ना करें, बट फिर भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि यार चार्ज करना ही पड़ेगा, गेम चल रही है, तो यहां पर आप दो चीजों को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को कम कर दें। दूसरे नंबर पर आप पबजी गेम के ग्राफिक्स को भी बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि अगर आप पबजी गेम को HDR ग्राफिक्स में खेल रहे हैं तो सिंपल है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस ग्राफिक्स पर गेम को खेलने पर आपका स्मार्टफोन हीट यानी कि गर्म भी होगा, और साथ साथ में ये काफी ज्यादा लेवल पर बैटरी को भी ड्रेन करेगा। तो अगर आप HDR ग्राफिक्स पर गेम को खेल रहे हैं और आपका फोन ओवरहीट हो रहा है, तो आप ग्राफिक्स को लो कर दें, आपको काफी अच्छा फर्क दिखाई देगा। ट्रिक नंबर थ्री, कई बार क्या होता है कि हम कभी भी गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, इसका ध्यान नहीं रखते कि गेम खेलने से पहले हम क्या कर रहे थे। भाई YouTube पर वीडियो देख रहे थे, Facebook चला रहे थे या फिर WhatsApp पर चैट कर रहे थे, इसका हम ध्यान नहीं रखते। तो होता यह है कि बैकग्राउंड में कई सारी ऐप जो है वो रन कर रही होती है, तो यहां पर ही आपके स्मार्टफोन की बैटरी भी यूज करती है, प्रोसेसर यूज करती है, रैम यूज करती है, इंटरनेट यूज करती है। तो आप गेम खेलने से पहले यह ध्यान रखें कि बैकग्राउंड में कोई ऐप तो नहीं चल रही, अगर चल रही है तो आप उन सभी ऐप को स्टॉप यानी कि बंद कर दें, जिससे आपके स्मार्टफोन की रैम, प्रोसेसर ये काफी हद तक फ्री हो जाएंगे और कई हद तक आपका स्मार्टफोन हीट होने से भी बचा रहेगा। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे स्मार्टफोन का इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा होता है, मगर फिर भी हमें हाई पिंग देखने को मिलती है। तो इसकी वजह यह है कि आपके स्मार्टफोन में कई सारी से ऐप होती है जो बैकग्राउंड में आपके स्मार्टफोन का इंटरनेट यूज करती रहती है। तो यहां पर अभी मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताता हूं जिसकी मदद से आप उन सभी ऐप्स का इंटरनेट ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि बंद कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके स्मार्टफोन में जितनी भी ऐप्स है वो सारी आपको यहां पर दिखाई देगी। अब जिन ऐप्स को अभी फिलहाल आप यूज नहीं करते बट फिर भी वो आपके स्मार्टफोन में बैकग्राउंड में इंटरनेट यूज करती है, तो उन सभी पर आप टिक मार कीजिए, यहां से आप इसे ऑन कीजिए और बूम, ये सारी ऐप जो है वो पूरी तरीके से इंटरनेट को यूज करने के लिए ब्लॉक हो जाएगी। तो इस ऐप का यूज कर आप उन सभी ऐप्स का इंटरनेट एक्सेस ब्लॉक कर सकते हैं जो बैकग्राउंड में रन करती रहती है। तो काफी कमाल की ऐप है, इस ऐप को जरूर से ट्राई करना।
ट्रिक नंबर 4, और पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिक मैंने ढूंढी है, ये ट्रिक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ना ही यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ये ट्रिक पहली बार आपको आईटेक पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस ट्रिक को मैंने ढूंढा है। बट अब इस वीडियो के अपलोड होने के बाद हो सकता है कि इस ट्रिक को और भी कई लोग बताएं, बट फिलहाल इस ट्रिक को मैं पहली बार बता रहा हूँ। अब इस ट्रिक के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी बेहद ही ज़रूरी है। आपके पास एक कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, फिलहाल मेरे पास ये कॉटन की टी शर्ट है, और आपके पास एक पानी का बॉटल भी होना चाहिए। यहाँ पर आप ठंडा पानी, चिल्ड पानी भी यूज़ कर सकते हैं, मगर आप पानी की जगह पर बर्फ़ यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, तो सिंपल है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है और इस टी शर्ट के ऊपर डालना है। आपको यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है, इतना पानी नहीं डालना है कि पानी आपके स्मार्टफोन के अंदर चला जाए। आपको यहाँ पर इस टी शर्ट को हल्का सा गीला करना है, ताकि पानी सिर्फ इस टी शर्ट के अंदर ही रहे। और जैसे ये टी शर्ट गीली हो जाती है, तो सिंपल है, आप अपने ओवर हीट यानी कि गर्म हुए स्मार्टफोन को इस टी शर्ट के ऊपर रख दें, लाइक कुछ इस तरह से, और सिर्फ 40 सेकंड या फिर मैक्सिमम 1 मिनट, जब तक आपकी गेम स्टार्ट नहीं होती उसके पहले आपको चौंकाने वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। होगा यह कि आपका स्मार्टफोन जो ओवरहीट हो चुका था, जो बेहद ही गर्म हो चुका था, वो 80% कम हो जाएगा। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आपका स्मार्टफोन बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ लीजिए कि आपके स्मार्टफोन का टेम्परेचर 100% था, और इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आपके स्मार्टफोन का जो टेम्परेचर है वो 80% कम हो जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ 20% ही आपको थोड़ा सा हीटिंग लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा गर्म है, मगर जो ओवरहीट था वो बेहद ही कम हो जाएगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस दरमियान आप चार्जिंग भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को कुछ इस तरह से, तो चार्ज भी होता रहेगा फ़ोन और ठंडा भी होता रहेगा, और आप इसका यूज़ हर बार कर सकते हैं। मतलब जब भी गेम स्टार्ट होती है तब थोड़ा सा टाइम हमें मिल जाता है स्पॉन आइलैंड पर लैंड होने में, तो ये दरमियान आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन के टेम्परेचर को बिल्कुल लो रख सकते हैं और कंटिन्यू गेम को खेल सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा टाइम जाता नहीं है, बस आपको 40 सेकंड या फिर 1 मिनट के लिए ही करना होता है, तो गेम में कुछ वक्त तो ऐसा आपको मिल ही जाता है जहाँ पर 40 सेकंड या फिर 1 मिनट आपकी ही निकल जाती है। तो उस दरमियान आप इस टी शर्ट का यूज़ कर अपने स्मार्टफोन के टेम्परेचर को बिल्कुल लो कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने पबजी को लेकर कई सारे वीडियोस बनाए कि कैसे आप पबजी गेम को हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं, हाई फ्रेम रेट में खेल सकते हैं, लो रैम वाले स्मार्टफोन में खेल सकते हैं, तो उन सभी वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियो को जरूर से चेक करना। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी पबजी फ्रेंड को फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी आप कर सकते हैं, खासतौर पर व्हाट्सअप पर, क्योंकि हो सकता है कि किसी के लिए ये ट्रिक काफी यूजफुल हो। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नई नई ट्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।